वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ, मैं एक छोटी सी वीडियो शूट करूंगी और वो है रेसिपी की वीडियो और वो है चिकन रेसिपी। तो मैं घर के लिए बनाने वाली थी तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए झटपट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पे चिकन, वो है 1 किलो चिकन लिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक का, ये पेस्ट नहीं है, ये मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और मैं डालूंगी लहसुन, वो भी मैंने दरदरा कूट लिया है। और आपका जितना चिकन है आपको पता ही चल जाएगा कितना लगता है, तो उसी हिसाब से आप डालना। और मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज और मैं लूंगी टमाटर, बारीक काट के रखा था वो मैं टमाटर डाल दूंगी इसमें। और मैं अभी इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो क्योंकि इसमें बाद में भी डाल सकते हो। और डाल दूंगी हल्दी और डाल दूंगी अभी सूखा मसाला, पाउडर मसाला डालूंगी, ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद है चिकन का तो इसीलिए मैंने डाल दिया। और ये डालूंगी अभी धनिया पाउडर और डालूंगी मैं अभी जीरा पाउडर और लास्ट में। और एक चीज मेरा छूट गया, और ये कच्चा वाला मिर्ची मैं डाल दूंगी जिसको बीच में से चीर लिया है। और थोड़ा सा अभी इसमें डाल देंगे हम मेथी, मेथी के जो सूखे वाले पत्ते हैं वो मैं डाल दी। अभी इसको हम इसके साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और एक बात, इसको ना मैरिनेट करके रखना नहीं पड़ता है, आप तुरंत बना सकते हो क्योंकि इसको मैरिनेशन की टाइम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आप मैरिनेट करने के तुरंत बाद ही बना सकते हो। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे चिकन के साथ। और मैंने सूखी मिर्ची का पाउडर नहीं डाला क्योंकि तीखा हम कम ही खाएंगे, क्योंकि मेरी लड़की भी खाने वाली है। आप लोगों को अगर सूखी मिर्ची का पाउडर डालना होता है रेड चिली तो आप लोग डाल सकते हो। इसको अच्छे से ऐसे तो चलिए इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अभी हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो अभी कढ़ाई तो गैस पे चढ़ा दिया था और कढ़ाई भी हो गया है गरम। तो मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से ना टेस्ट अलग आता है और अच्छा भी लगता है। और अभी इसमें डाल देंगे हम सूखा मसाला, और सूखा मसाला में मैं डाली इलायची, लौंग और दालचीनी और ये जावित्री। जावित्री डालने से भी एक अलग सा खुशबू आता है, उसमें अच्छा लगता है। और मैं अभी इसमें डाल दूंगी सूखी मिर्ची और तेज पत्ता और लास्ट में डाल दूंगी साबुत जीरा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और ये थोड़ा सा ना ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन थोड़ा ये ना ये छींटता है ना, तो इसी वजह से मैंने करछी से दिया, लेकिन बाद में मैं पूरा ये इसे डाल दी। तो चलिए इसको अभी चला लेंगे अच्छे से,
क्योंकि ये मसाला को अच्छे से वो जो तड़के में डाली ना उसके साथ मिला लेंगे। तो इसके बाद अभी ये चलाने के बाद, कुछ देर चलाने के बाद इसको मैं ढक दूंगी, क्योंकि ये ढकने से ना इससे पानी निकलेगा और वो पानी अगर एक बार निकल जाएगा ना तो फिर इसको धीरे धीरे सुखाएंगे, क्योंकि एक बार पानी निकलना पड़ता है, वरना जो चिकन का पानी रह जाता है ना उससे बाद में टेस्ट नहीं बनता है। तो चलो अभी ढक दिया है और मैंने ढक के छोड़ दिया था 5 मिनट। अभी इसको उठाया, देखो इससे पानी निकल गया है। और इस बीच ये देखो मैं लेग पीस भी उठा के रख रही हूँ, क्योंकि ये इससे ना ये मांस सारा निकल जाता है, इसी वजह से उठा के रख दी। और एक चीज़ इसमें मैंने डाल दिया था आलू, क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है। और ये देखो इसका पानी भी पूरा सूख गया है अभी। और इसमें ना अलग से कोई मसाला बाद में ऐड नहीं होता, क्योंकि पहले ही मैंने सारा मसाला डाल दिया था। और अभी ये पूरा ग्रेवी जो था ना सूख गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ा चाहिए, इसी वजह से मैंने पानी गरम कर लिया था और गरम पानी में डाली, क्योंकि गरम पानी डालने से अच्छा होता है। कच्चा पानी डालोगे ना तो वो जो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रहता है उससे तो अच्छा है, थोड़ा पानी गरम करके डालो, उसमें ये फ्लेवर भी अच्छा आता है। और जो अभी ये ना पूरा बनी गया है, इसको थोड़ा उबाल आएगा फिर ये थोड़ा बनी जाएगा। और इसके बाद मैंने वो साबुत जो गरम मसाला था वो कूट लिया था, और ये इसमें मैं डाल दूंगी वो साबुत गरम मसाला कूटा हुआ। और फिर लास्ट में जाएगा धनिया पत्ता, तो फिर मेरा ये चिकन का रेसिपी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा चिकन बन गया और अभी मैं करने जाऊंगी डिनर। तो मेरा ये चिकन का रेसिपी आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ये रेसिपी आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप घर पे ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, और ये मसाला पेस्ट किए बिना ही बन जाता है। तो फ्रेंड चलिए, अभी तो बहुत रात हो गया है क्योंकि मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ, और मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नए वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, बाय बाय।